आप सभी का स्वागत है नोटेक चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को सेट बटन को दबाकर और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा लेट बिकॉज 4 बजे मैं अपलोड करने वाला था लगभग, और मुझे कोई काम आई और उसके बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट में एक अपडेट आया है जो कि लगभग 190 MB का एक अपडेट है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस या कुछ क्या कुछ नया देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है बूट ऑन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लैग नहीं है स्वाइप अप स्वाइप डाउन में, और यहाँ पर हमारा एंड्रॉइड अपग्रेड हो रहा है। सो सिस्टम अपडेट होने के बाद में होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले जाकर देख लेते हैं कि हमें सिक्योरिटी पेज जो है इस डिवाइस किया है या नहीं। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सो स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर अगस्त का सिक्योरिटी पैच, या मतलब क्या हो रहा है सैमसंग के साथ में, इतने सारे अपडेट आ रहे हैं, वो भी J7R प्राइम में भी और ऑन नेक्स्ट में भी आया है, 2 अपडेट आ चुके हैं मतलब, बट एक भी सिक्योरिटी पैच नहीं आया। और देख रहे थे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो माइक गैलेक्सी स्टोरीज़ है उसका सपोर्ट आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स आए थे कि इसमें गैलेक्सी स्टोरीज़ का सपोर्ट आ गया है। तो आपको जो अपनी गैलेक्सी एप्लीकेशन पर जाकर के जो है चेक करना है कि उसका अपडेट आया है नहीं आया है। और यहाँ पर हमें जो है सॉफ्टवेयर अपडेट का मैसेज आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने गैलेक्सी एप्लीकेशन पर जाकर के चेक किया, वहाँ पर मुझे माई गैलेक्सी स्टोरीज़ का अपडेट नहीं मिला है। यहाँ पर एक बार विजिट में जाकर के देख लेते हैं, क्योंकि जब मैंने J7 Max में अपडेट किया था तो यहाँ पर एक विजिट आ गया था, तो यहाँ पर विजिट भी नहीं आया। डोंट नो मतलब ये अपडेट था 190 MB का और इसमें कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बग्स फिक्स अपडेट था। मुझे नहीं पता कि मतलब इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ना ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है। मैं देखना चाहता था कि भाई इसके अंदर क्या कुछ इंप्रूव होता है, बट यहाँ पर कोई भी हमें जो इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बट यार क्या कह सकते हैं अब इसके बारे में, तो सैमसंग जानता है कि उसने इसके साथ में क्या इंप्रूव किया है। बट फ्रेंड्स, जैसे मुझे कोई और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर मैं आपको अपने फेसबुक पेज पर डेफिनेटली बता दूंगा कि इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस जो है देखने को मिल जाएगा। बट आई थिंक ये चीज़ जो है मुझे नहीं देखने को मिली थी, एडवांस कॉलिंग एंड मैसेज, जो कि पहले वाले अपडेट में सैमसंग ने ऐड नहीं की थी, जबकि सबसे पहले सैमसंग ने J7 Prime में ऐड कर दी थी। बट यहाँ पर सैमसंग ने यहाँ पर अब ऐड करी है अपने ऑन नेक्स्ट में। सो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करके, ये फीचर पहले से ही था या फिर अब ही ऐड हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर कहीं मत जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट। It's caught in the crossfire.